नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर आज के मुख्य समाचार। बिजनौर के मंडावली क्षेत्र के गदाई में 6 दिन से ट्रांसफर फूके होने से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें, बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के ग्राम गदाई में 6 दिन से ट्रांसफर फूका हुआ है, जिसके कारण ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर है। साथ ही साथ ग्रामीणों के सामने पानी की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके चलते ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली व्यवस्था ध्यान न देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि 10 केवी के ट्रांसफर पर 25 कनेक्शन चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की ये लेटेस्ट खबर। क्या नाम है आप? अनिल कुमार। क्या समस्या है बताइए? समस्या ये है सर, ये 6-7 दिन से ट्रांसफार्मर फूका हुआ जी, और इस पर 10 केवी का ट्रांसफार्मर है जी, इस पर 25-30 कनेक्शन हो रहे हैं जी। बड़े के लिए कई बार मांग कर ली, कोई सुनता नहीं है। अब क्या करा जाए? ये दिक्कत ये है, पानी से परेशान है और मोबाइल चार्ज करने से भी, टीवी में कुछ देख ले कहाँ से देखो, क्या करो। पहली बात, पशु परेशान है ना, बहुत ज्यादा पशु बहुत परेशान हो गए पानी के बगैर। पानी पत्ते के बगैर दुनिया सब दुखी है, नहाने धोने से भी परेशान है। कितने दिन हो गए सब फूके हुए? 6-7 दिन हो गए। तो वो बताया विद्युत विभाग को? हाँ जी, खबर दी थी वहाँ, टीकम के पास आए थे और आकर बोले ट्रांसफर फुकाया, चले गए। कुछ भी ना, मैं भाई क्या करना है इसका, कि वो बता देंगे। अब क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये ट्रांसफार्मर बड़ा हो जाए और हमारा जो जल्दी से जल्दी काम हो, ज्यादा डंगरों का भी आदमियों का भी नहाने धोने का पानी बचता है। केबल कुछ ज्यादा ही हो रहा है इस पर, मतलब यानी कि बड़ा रखा जाए तो बात।